हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी प्रार्थना बताने वाला हूँ जो कई सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बहुत समय से, हजारों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है और आज भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया जाता है बीमार लोगों को ठीक करने के लिए, इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि बड़ी से बड़ी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर चाहे आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करियर में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, मनी इशू है या कोई भी इशू है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी इच्छा के लिए आप ये टेक्निक जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि एक बार मेरे विश्वास में आकर, मेरी बात मानकर इस टेक्निक को, जो मेरी फेवरेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये वाटर मैनिफेस्टेशन से बिल्कुल अलग है और इसीलिए ये मेरी फेवरेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, क्योंकि वाटर मैनिफेस्टेशन तो हर कोई करता है लेकिन ये वाटर मैनिफेस्टेशन नहीं है। अपनी इच्छा को तो हम पानी को बोलेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी उस पानी की, और जब आप उस पानी को पियेंगे तब आपकी इच्छा बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होगी। कहा जाता है कि केवल 7 दिनों में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और ये भी देखा गया है कि इस टेक्निक से 24 घंटे के अंदर कई सारे लोगों की इच्छाएं मैनिफेस्ट हुई हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रेयर तो हम ऐसे भी करते हैं, तो इस प्रेयर में क्या अलग है और इस प्रेयर को हम पानी के साथ क्यों करते हैं। तो पानी की जो मेमोरी पावर होती है वो हमारे दिमाग से भी ज्यादा पावरफुल है। कई सालों तक आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी, आपकी एफर्मेशन, आपकी जानकारी, आपके विचार कई सालों तक पानी संभाल के रखता है, याद करके रखता है, और जब आप इस प्रार्थना वाले पानी को पीते हैं तब आपकी इच्छा बहुत ही पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी सब कुछ बहुत पावरफुल हो जाता है। डॉक्टर इमोतो मसारू का एक्सपेरिमेंट तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने 2 ग्लास लिए थे पानी के, सेम सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि एक ही जगह से उन्होंने पानी लिया था। अगले दिन 1 गिलास पानी को उन्होंने पॉजिटिव शब्दों के साथ चार्ज किया और 2 गिलास पानी को उन्होंने नेगेटिव शब्द बोले, जैसे कि हेट, यू फूल और अलग अलग नेगेटिव शब्द बोले थे। इसके बाद उन दोनों गिलास को उन्होंने फ्रीजर में रखा था और अगले दिन जब उन्होंने उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेक किया, यानी कि अणु की संरचना, जो एटम की स्ट्रक्चर होती है, उसको चेक किया, तो पता चला कि जो पॉजिटिव शब्दों से चार्ज पानी था वो बहुत ही सुंदर संरचना बनाया हुआ था, और जो नेगेटिव शब्दों से चार्ज था, जिसमें उन्होंने नेगेटिव शब्द बोले थे, उसकी संरचना बहुत ही बिखरी हुई थी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बिखरा हुआ स्ट्रक्चर बना था। तो इससे पता चलता है कि पानी में मेमोरी होती है, पानी में इमोशंस होते हैं, और जो भी वर्ड, जो भी शब्द हम बोलते हैं या जो भी जानकारी हमारे आसपास उस पानी को मिलती है, पानी उसी तरीके से नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसा ही एक सेम एक्सपेरिमेंट एक चर्च में किया गया था, जहां पर उन्होंने एक पानी का गिलास रखा था और चर्च में प्रेयर करने के बाद जब उस पानी को बीमार लोगों को दिया गया था, तब उनकी बीमारी बहुत ही तेजी से ठीक होने लगी थी। तो इन सभी बातों से प्रूफ होता है कि पानी आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करता है। जब हम उस पानी को सही शब्दों के साथ चार्ज करते हैं, तो उन्हीं शब्दों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी इच्छा को बोलने से पहले किस तरीके के शब्द बोलने चाहिए, जैसे कि वो पानी आपकी इच्छा को बहुत तेजी से मैनिफेस्ट करे। और ये भी आपको याद रखना होगा कि पानी को छूकर जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तब वो बहुत ही तेजी से चार्ज होते हैं। तो चलिए जल्दी से टेक्निक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक खाली गिलास लेना है। रिकमेंडेड है कि आप कांच का गिलास लेंगे, अगर आपके पास कांच का गिलास नहीं है तो आप कोई और गिलास ले सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप कांच का गिलास ही लें और इसमें आप पानी डाल लेंगे। पानी डालते वक्त आप बिल्कुल भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पानी ज्यादा भर गया है, मैं इतना पीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे ये पूरा पानी पीना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप पानी को चार्ज करेंगे तब आपको ये पूरा पानी पीना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके कमरे में जब आप ये टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे तब आपके कमरे में कोई नहीं होना चाहिए,
आप अकेले होने चाहिए, यानी कि किसी और की नेगेटिव एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी को इस पानी में ट्रांसफर होने नहीं देना है। केवल आपकी एनर्जी को ही इसमें जाना चाहिए, आपके शब्द इसमें जाने चाहिए, आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशंस, आपकी फ्रिक्वेंसी इसमें जाएगी जो पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। और तब जब आप इस पानी को पियेंगे तब आपकी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट होंगी। इसके बाद आप इस पानी के गिलास को इस तरीके से हाथ में पकड़ेंगे, टच करके रखेंगे पानी के गिलास को, ताकि आपकी पूरी एनर्जी इसमें पहुंच सके, पानी में पहुंच सके। और इसके बाद फिर आप ये प्रार्थना बोलेंगे, मैं धन्यवाद करता हूं इस जल का जिसे मैं अब पीने वाला हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने भगवान का कि उन्होंने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। और इसके बाद आपको अपनी इच्छा को बोलना है, आपकी कोई भी इच्छा है आप उसको बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूँगा, धन्यवाद भगवान, अब मैं हर महीने 3 लाख रुपए कमाने लग गया हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आप नौकरी के लिए, शादी के लिए, हेल्थ के लिए या किसी भी और इच्छा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है और अब आप बहुत परेशान हैं, या फिर मेरे को इतने पैसे चाहिए, ये मेरे को ये लड़की दे दीजिए, मुझे शादी करनी है, मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, तो किसी भी तरीके से काम बना दीजिए। इस तरीके के शब्द आपको नहीं बोलने हैं। आपको बोलना है कि आपका काम ऑलरेडी हो चुका है और उसके लिए आप बहुत ही ज्यादा धन्यवाद महसूस कर रहे हैं। पहली जो 3 लाइन मैंने बोली थी धन्यवाद वाली, वो आपको बोलनी है, और उसके बाद आपको अपनी इच्छा को बोलना है, और इसके बाद आपको ये पूरा पानी पी लेना है। अब आपकी इच्छा आपके अंदर आ चुकी है, यानी कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी वो पानी की मदद से आपकी पूरी बॉडी को चार्ज कर चुकी है, और अब आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपकी इच्छा यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है और अब आपकी इच्छा कभी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। बस आपको लेट गो करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप परेशान होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होगी, और फिर कभी ना कभी आप नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव शब्द बोल के या फिर नेगेटिव एनर्जी के साथ पानी पियेंगे, और जो भी आपने पहले प्रेयर किया था, प्रार्थना किया था, इच्छा को बोला था पानी को, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको व्यर्थ नहीं करना है, इस प्रार्थना को आपको हर दिन बोलना है। जितनी बार हो सके, जितनी बार आप पानी पियेंगे उतनी बार आप ये प्रार्थना दोहराएंगे, कम से कम 7 दिन तक करेंगे। किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह, शाम, रात, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और भगवान पे विश्वास रखना है कि आपकी इच्छा ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। अगर आपको एफर्मेशंस चाहिए हेल्थ, करियर, मनी और रिलेशनशिप के ऊपर, तो नीचे में मेरी वेबसाइट है, वहां पर आप नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ईबुक आपके ईमेल पर आ जाएगी। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।